गोरखपुर में बृहस्पतिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 27 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,994 पहुंच गया है। इनमें 20,386 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 341 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 267 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। बृहस्पतिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 15 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 5 मरीज शामिल है। इसके अलावा राजघाट में 1, रामगढ़ताल, गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र में 3-3 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 11 नए मरीज मिले हैं। इनमें गगहा, कौड़ीराम, गोला और खजनी में 1-1 और चरगावा में 7 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्र में 1 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।